एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी, किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसे एक लड़का भी था, उसका नाम था राजेश। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के गुजरने के बाद घर चलने की सारी जिम्मेदारी सखुबाई के कंधों पर आई थी। साथ में राजेश की पढ़ाई का बोझ भी था। सखुबाई हमेशा सोचती कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बने। सखुबाई जब काम करती तो राजेश भी उसके साथ जाता। सखुबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना देती तो राजेश बैठे बैठे लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़ने लगा तो एक मालकिन ने बड़ी गुस्से से कहा, अरे राजेश, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उसे कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर राजेश बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा ज्ञान के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। मालकिन बोली, तुम और कलेक्टर शक्ल देखी आपने? और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। सखुबाई को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहां से चले गए। फिर सखुबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वो अकेली ही 15-20 किलो की रोटियां बनाती थी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे ही अपना काम शुरू कर देती थी। उसके साथ राजेश भी उठता था और माँ को मदद करके अपनी पढ़ाई करता था। एक दिन अचानक मकान मालिक उनके पास आए और बोले, क्या सखुबाई, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उठ जाते हो और ये लाइट जलाते हो? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। एक तो बिल ज्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक गुस्से से वहां से चले गए। फिर राजेश ने लालटेन चलाई और पढ़ाई करने लगा। माँ भी उस प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही राजेश ने अगले कुछ साल जी लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। राजेश की लगन देखकर अगली पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। राजेश तो 22 साल का हो गया था। फिर क्या था, राजेश दिल्ली चला गया और वहां खूब पढ़ाई की। वो घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता। फिर एक दिन जब एग्जाम का टाइम आया, जाते जाते किसी गाड़ी वाले ने उसे ठोक दिया। राजेश जमीन पर गिर गया। उसके सिर और बाएं हाथ को चोट आई। अब वो सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालत में अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। फिर दिल्ली में रहने का मेरा खर्चा भी कौन उठाएगा? मेरे सिर्फ बाएं हाथ पर चोट लगी है, पर दाया हाथ तो अभी अच्छा है। मैं इस हाथ से एग्जाम दूंगा। और फिर राजेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। राजेश ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू अटेंड किया। फिर कुछ दिन के लिए राजेश माँ के पास गांव वापस चला गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट के दिन माँ ने अखबार खरीद कर लाया और राजेश को परिणाम देखने को कहा। राजेश ने रिजल्ट देखा तो उसने जोर से चीख निकाली, माँ, मैं पास हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आ गए और वो दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से? कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसे या मजाक उड़ाए, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलती है। एक गांव में एक छोटे से परिवार में विक्रम और उनके 2 बच्चे रहते थे। बड़ी बेटी का नाम सुकन्या और छोटे बेटे का नाम था सुयश। विक्रम एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। 2 साल पहले ही एक लंबी बीमारी के कारण उनकी माँ का देहांत हो गया था। सुयश की उम्र 7 साल थी और सुकन्या 11 साल की थी। सुकन्या अपने छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखती थी। छोटे भाई को 1-2 छींक भी आ जाए तो वो परेशान हो जाती थी। सुकन्या ने कहा, सुयश, चलो जल्दी से नहा लो और फिर नाश्ता करके स्कूल भी जाना है। दीदी, आज नहाने का मन नहीं कर रहा है, हाथ मुंह धो लूं? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, अच्छे लड़के नहाए बिना स्कूल नहीं जाते। सुकन्या ने अपने हाथों से ही बड़े प्यार से उसे नहलाया और स्कूल के लिए तैयार किया। सुयश ने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। शाम को बाबूजी जब ऑफिस से घर आए तो साथ में गर्मा गर्म जलेबियां भी लेकर आए। उन्होंने उसे 2 भाग में विभक्त करके दोनों को दे दिया। सुयश ने अपनी जलेबी जल्दी से खा ली और अपनी दीदी का मुंह देखने लगा। तो सुकन्या ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी जलेबी खत्म हो गई क्या? हाँ दीदी, बहुत मीठी थी ना। तो सुकन्या ने अपने हिस्से की जलेबी में से 1 जलेबी सुयश को दे दी। सुयश ने जल्दी जल्दी जलेबी खा ली और अपनी दीदी का मुंह देखने लगा।
इस तरह से सुकन्या ने अपने हिस्से की बहुत सारी जलेबियां सुयश को खिला दी। तो बाबूजी ने कहा, सुयश बेटा, एक जलेबी तो अपने दीदी को भी खा लेने दो। हाँ हाँ दीदी, तुम भी जलेबी खा लो। सुकन्या ने आखिरी जलेबी सुयश के हाथों में रख दी और उसने सिर्फ पानी पी लिया। एक दिन वो अपने छोटे भाई को लेकर गांव में जा रही थी। अचानक एक कुत्ता सुयश को देखकर भौंकने लगा। वो झट से सुयश को पीछे करके सामने आ गई और कुत्ते से सुयश का बचाव करने लगी। जब कुत्ता सुयश के पीछे दौड़ने लगा तो सुकन्या ने सुयश को गोद में उठा लिया और तेजी से भागने लगी और कुत्ता पिछड़ गया। दीदी का ये रूप देखकर सुयश हैरान रह गया, क्योंकि सुकन्या एक बहुत अच्छी एथलीट थी। वो शानदार दौड़ती थी, उसके पास नेशनल लेवल पर खेलने का मौका था। दीदी, तुम इतना तेज दौड़ती हो, हवा से बातें करती हो, मुझको भी दौड़ा तो मैं मानूं। अगर तुमने लगातार मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो तुम भी हवा से बातें कर सकते हो। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन सुयश बीमार हो गया और जांच करने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। विक्रम के जीवन में ये दूसरा आघात था। वो बहुत दुखी हो चुका था। मैंने जितने डॉक्टरों से संपर्क किया, वो सभी ने यही कहा कि दूसरी किडनी जो मैच हो जाए वो सुयश को लगानी पड़ेगी। इस बीच डायलिसिस से काम चलाना होगा। बाबूजी, मैं अपने सुयश भैया के लिए अपनी किडनी दे दूंगी, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बेटा, तुम एक अच्छी एथलीट हो। किडनी देने के बाद तुम दौड़ नहीं पाओगी, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं कोई दूसरा डोनर ढूंढ लूंगा। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सुयश के लिए कोई डोनर नहीं मिला। तब सुकन्या ने कहा, बाबूजी, मेरा करियर मेरे छोटे भैया की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है। आप मेरा टेस्ट करवाइए, मैं अपने भाई के लिए किडनी दूंगी। सुकन्या बेटी की जिद के आगे बाबूजी को उसकी बात माननी पड़ी और सुकन्या की किडनी ऑपरेशन के जरिए सुयश को लगा दी गई। सुयश को नई जिंदगी मिल गई। विक्रम और सुकन्या सुयश को लेकर घर आ गए। थोड़े दिन में सुयश ठीक हो गया और अपने दीदी से पूछा, दीदी, आपके दौड़ के सिलेक्शन का क्या हुआ? कोई जवाब आया क्या? तो सुकन्या बोली, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं दौड़ में हार गई। मेरी दीदी हार ही नहीं सकती, जरूर उन्होंने कोई चीटिंग की होगी। आप मायूस ना हो दीदी, अगली बार आप जरूर जीतेंगी। ये सुनकर सुकन्या की आंखें नम हो गई। एक दिन सुयश को घर के कोने में कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े दिखाई दिए। जब उसने उन टुकड़ों को उठाया और मिलाया और पढ़ा तो सुयश को पता चला कि इंडियन एथलीट टीम में सुकन्या का सिलेक्शन हो गया था और उसे बुलाया गया था। इसके बाद सुयश को सारी बात समझ आ गई। खुद के लिए अपनी बहन का इतना बड़ा त्याग देख सुयश का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक बहन ने अपने भाई के लिए अपने सुनहरे करियर की कुर्बानी दे दी। तो बच्चों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि भाई बहन को मिलजुल कर हमेशा प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे प्यारा रिश्ता और कोई नहीं है।